भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्धप्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। समझ न आने पर प्यार से समझाया जा सकता है, लेकिन मर्द होने का ये मतलब नहीं है कि उन्हें हाथ उठाने का हक है। बाला की पत्नी की हालत जो ऐसी हो गई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बाला खुद। सरला अपने ससुराल में रहती थी अपने सास ससुर के साथ, और बाला की पत्नी बाला के साथ रहती है। हितेश, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। अरे लेकिन बाला तो बहुत है बखत तक तू मेरे साथ रहा ना, तो वह करेगा जो सिखाए हो गए का। भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं बात करता हूँ भैया से। इस वक्त कहाँ मिलेंगे भैया? मैं यही हूँ। और भीम, मेरे मसले पर तुम्हें मुझे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। पत्नी मेरी है, मैं चाहे जो करूं। तूने मेरे पढ़ाए लिखाए पर पानी फेर दिया, मेरे संस्कारों पर पानी फेर दिया। मैंने तुम्हें यही सिखाया था कि तू बहू पर हाथ उठाए, पता? बाबा, आपको मुझे सबके सामने थप्पड़ मारना था, आपने मार लिया। इस पर मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं तो आपके समझाने से मैं समझ जाऊंगा तो आप गलत हो। और अगर मुझे ज्यादा समझाने की कोशिश की गई तो मैं आपको रोक भी सकता हूं। बाला, बाबा, इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप सब अपने हिसाब से रहिए और हमें अपने हिसाब से रहने दीजिए। आज के बाद मेरे मसले पर दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा वाला ने, दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी और करनी भी नहीं चाहिए। और आप सब अपने परिवार को देखिए, उन्हें संभालिए, हमें अपने परिवार को संभालने दीजिए। चलो सरला। सरला चलो घर चलो। जिनके खुद के घर बिखरे हुए होते हैं वो दूसरों की जिंदगी नहीं संवार सकते। चलो तुम भी चलो। रमा, अब कैसे लड़ोगी इस बेचारी के लिए? ढूंढ करके तो लाई लेकिन तुम्हारे सामने खड़ी हो गई, तुम्हारे अपने घर की ही बड़ी बहू। बताओ अब कैसे लड़ोगी? चलो सरला। तुम भी चलो।
अब दोनों के लिए लड़ूंगी। क्या हुआ अगर बाहर के लोगों के साथ साथ घर वालों से भी लड़ाई लड़नी पड़े? लड़ूंगी और दोनों को इंसाफ दिलाऊंगी। भीम, अपनी पत्नी से कहो कि ये सब नाटक ना करे। मैं और उलझना नहीं चाहता। आप तो पहले से उलझ चुके हैं भैया। रमा सुलझाने की कोशिश कर रही है, इसे करने दीजिए। जो होगा सो होगा। ठीक है, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। रुकिए, अब इस घर से भाभी तब तक नहीं जाएंगी जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलता। प्रचंड देव जी, आप लोग भी सुन लीजिए, जब तक इन दोनों को न्याय नहीं मिलता है ये दोनों यहां से कहीं नहीं जाएंगे। आप लोग जाइए। बाबा, आप मुझे मारोगे तो मैं पुलिस कप्तान साहब की शिकायत कर दूंगा। मैं अपना गला काट लूंगा। बाबा आप जाओ यहां से। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपके समझाने से मैं समझ जाऊंगा तो आप गलत हो। और अगर मुझे ज्यादा समझाने की कोशिश की गई तो मैं आपको रोक भी सकता हूं। बाबा, इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप सब अपने हिसाब से रहिए और हमें अपने हिसाब से रहने दीजिए। अभी तक तो तुम बहुत भाषण दे रही थी कि इसके ससुराल वाले ने इसके साथ में मारपीट की और इसकी हालत ऐसी कर दी, लेकिन बाला की पत्नी की हालत जो ऐसी हो गई है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बाला तो बहुत बखत तक तुम्हारे साथ रहा ना, तो वह करेगा जो सिखाए हो गए। बाबा रोइए मत। बाला भैया ऐसे थे, ऐसे ही रह गए। लेकिन समाज तो यही कहेगा ना कि बाप गलत है। मैंने उसे कुछ संस्कार नहीं दिए, पढ़ाया ना लिखाया, यही कहेंगे ना। समाज मतलब क्या बाबा? लोग ही ना, ये लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। बाबा आपने ही सिखाया था मुझे, भीम बेटा, लोगों की बात जरूर सुनना लेकिन वही करना जो तुम्हें सही लगे। और बाबा आपने भी हम सभी भाई बहनों के साथ वही किया है जो आपको सही लगा। बेटा, उम्र के साथ साथ ये भी समझ में आया कि जो कुछ ऊंच नीच का खेल है ना,